मीडिया में खबर वायरल होने के बाद भागलपुर पुलिस ने बयान जारी किया है। जारी किए गए बयान में एसपी ने कहा कि प्रारंभिक जांच के बाद थानाध्यक्ष और पुलिस अवर निरीक्षक को थाना से हटा दिया गया है। दरअसल भागलपुर जिले के गोराडी पुलिस द्वारा निर्दोष लोगों की पिटाई मामले में गुरुवार को भागलपुर सिटी एसपी राज ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी ने पिटाई प्रकरण मामले में संज्ञान लेते हुए गोराडी की तत्कालीन थानाध्यक्ष शांता सुमन और दरोगा सनोज कुमार चंद्रवंशी को लाइन हाजिर कर दिया है। सिटी एसपी ने बताया कि गोराडी थाना क्षेत्र अंतर्गत सोमेश मंडल हत्याकांड में संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। एसपी ने कहा कि जांच के दौरान यह बात सामने आई कि सभी सातों संदिग्धों के साथ पुलिस ने सख्ती की है, लेकिन करंट लगाने और प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल डालने की बात झूठी है। एसपी ने बताया कि फिलहाल थाना के दोनों पदाधिकारी को पद से हटाकर लाइन क्लोज कर दिया गया है। आजकल जो मामला प्रकाशित हुआ था, इस संबंध में प्रारंभिक जांच की गई है। जांच में जो उनके प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल और करंट लगाने की जो बात है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है और अन्य बिंदुओं पर भी अनुसंधान चल रहा है और इसमें भी चिकित्सा रिपोर्ट भी अप्राप्त है। विधि व्यवस्था और प्रशासनिक दृष्टिकोण को देखते हुए थानाध्यक्ष शांता सुमन तथा थाना में पदस्थापित सनोज, इन लोगों को लाइन क्लोज किया गया है। इसमें आगे इंक्वायरी चल रही है। भागलपुर टेन कोर्ट भवन स्थित पॉक्सो कोर्ट ने लड़की के साथ दुष्कर्म कर उसका वीडियो वायरल करने के मामले में एक आरोपी को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल पीपी नरेश राम ने बताया कि कहलगांव थाना कांड संख्या 448/2022 में आरोपी युवक के द्वारा लड़की को कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर पिला दिया गया था, जिसके बाद आरोपी युवक ने लड़की के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था। इतना ही नहीं बल्कि आरोपी युवक ने दुष्कर्म का वीडियो भी बना लिया। नरेश राम ने बताया कि इसके बाद आरोपी युवक ने 2 वर्षों तक वीडियो वायरल कर देने की धमकी देकर लड़की के साथ यौन शोषण करता रहा, लेकिन जब लड़की ने आरोपी युवक की बात मानने से इनकार कर दिया तो लड़के ने वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद वीडियो को देखकर लड़की के घर वालों ने कहलगांव थाने में आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। नरेश राम ने बताया कि मामले में 9 लोगों ने गवाह गुजरा, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई। वहीं कोर्ट ने पीड़िता को 3,00,000 रुपए देने का भी निर्देश दिया है। एक घटना जो है, एक वीडियो वायरल करने का घटना है। एक लड़का है पीयूष कुमार, जो इन्हें एक लड़की है जो उसको सहेली था नेहा कुमारी, और नेहा कुमारी उन दिन नहीं आई तो झूठ मूठ बोल के बोला कि ये गोंगली पार्क में वो आपका इंतजार कर रही है। वो गोंगली पार्क में ले के चला जाता है और स्प्राइट का एक किठहर वो अभी आ रहा है, उसके बाद स्प्राइट में वो नशीला पदार्थ खिला करके और लड़का एक जगह ले जा करके उसके साथ बलात्कार करता है और वीडियो बना लेता है। और वीडियो बना लेने के बाद उस लड़का को भय दिखा करके कि देखो तुम्हारा वायरल कर देंगे, नहीं तो तुमको जो कहते थे इस ढंग का करते करते वो कभी बलात्कार करते रहा। कब तक किया? वो 2 बरस तक करते रह गए। ये बलात्कार जो है 2 बरस तक करते रह गए। एक दिन वो लड़की जो है इसके व्यवहार से तंग आ करके ये आके के बोले अब तुमसे हम जब नहीं मिलेंगे तो ये 11/5/22 को ये वीडियो वायरल कर दिया। वायरल कर दिया तो इसका जो है माता पिता को देखा सब गांव में, उसके बाद इससे जब पूछी तो सारा घटना को कहा, तब वो केस किया, यहाँ पर आकर के केस किया। केस में होने के बाद ये प्रूफ करना कि वीडियो में से कैसे कैसे हुआ, इसमें हमको काफ़ी परेशानी हुआ। इसमें टोटल 9 गवाह हुआ, 376 4 पॉक्सो एक्ट लगा। आज जो है 4 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सजा हुआ, उसके बाद 20,000 रुपया जुर्माना लगा। जुर्माना नहीं देने पर 1 वर्ष का सजा और विक्टिम को जो है कंपनसेशन के रूप में 3,00,000 रुपया जो है उसको मिला। कौन से थाना का है? कौन से थाना का है ये? थाना कांड संख्या 448 वो 22 है, ये कहलगांव का है। कहलगांव का लवकुश कुमार में ये जजमेंट हुआ। अब मेरा नाम नरेश प्रसाद राम हुआ, स्पेशल पीपी स्कूल का। भागलपुर जगदीशपुर पुलिस ने अपराध की योजना बनाते 3 व्यक्ति को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है।
दरअसल जगदीशपुर पुलिस को मुस्तफापुर लोहा पुल के समीप किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए एकत्र हुए अपराधी के बारे में गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद जगदीशपुर थाना अध्यक्ष गणेश कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और घेराबंदी कर तीनों बदमाशों को दबोच लिया। वहीं तलाशी के दौरान पुलिस ने एक देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किया है। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान नया टोला पुरैनी निवासी मोहम्मद हसनैन, करवला पुरैनी निवासी मोहम्मद आफताब और मुस्तफापुर निवासी मोहम्मद इरफान के रूप में हुई है। वहीं पकड़े गए तीनों बदमाशों को पुलिस ने पूछताछ के बाद जेल भेज दिया। भागलपुर व्यवहार न्यायालय स्थित उत्पाद कोर्ट ने शराब तस्करी के मामले में एक आरोपी को 5 वर्ष की सजा सुनाई है, साथ ही 1,00,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। उत्पाद कोर्ट के स्पेशल पीपी भोला मंडल ने बताया कि वर्ष 2023 में सन्हौला पुलिस ने वाहन जांच के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर एक युवक को 40 लीटर देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया था। भोला मंडल ने बताया कि 18 जून को आरोपी अमजद खान को कोर्ट ने दोषी पाया था, जिसके बाद आज न्यायालय ने उसे 5 वर्ष की सजा और 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। यह बिल्कुल निराधार है। सन्हौला 38-23 केस में 27-2-23 को वाहन चेकिंग कर रहे थे सन्हौला चौक पर, तो इन लोगों को उसी समय पता फोन आया, गुप्त सूचना मिली कि घुड़िया मोड़ की तरफ से एक अवैध शराब लेके आ रहा है। पुलिस ने मोटरसाइकिल को रोका, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी थी और उस मोटरसाइकिल पर 40 लीटर महुआ शराब मिला और उस व्यक्ति को जब पूछा गया तो अपना नाम अमजद खान बताया, तो उसको आज यहाँ पर सजा मिली, 5 साल की सजा, 1,00,000 रुपया की जुर्माना, नहीं देने पे 3 महीना की अतिरिक्त सजा। दोषी कब पाया गया? या दोषी 18 को पाया गया। किस कोर्ट ने सुनाई सजा? या ADJ 12 उत्पाद कोर्ट 2 माननीय श्री राजेश सिंह के कोर्ट में सजा सुनाई गई, भोला कुमार मंडल उत्पाद कोर्ट पीपी। अंगिका भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने और इसके विकास के लिए गुरुवार को समाहरणालय परिसर में अंग क्षेत्रों के लोगों द्वारा एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। प्रदर्शन कर रहे अंगवासी ने अंगिका भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने, भागलपुर स्टेशन और बस स्टैंड में उद्घोषणा अंगिका में किए जाने, सरकारी नौकरियों में अंगिका भाषा को मान्यता देने, विश्वविद्यालयों में अंगिका भाषा पर विशेष कार्य शुरू करने, अंगिका भाषा में सिनेमा टीवी सीरियल और वेब सीरीज बनाने, अंगिका साहित्यकारों को पुरस्कृत करने और अंगिका भाषा के विकास के लिए एक विशेष संस्थान बनाने की मांग की है। इसके अलावा प्रदर्शनकारी ने भागवत झा आजाद अंगिका केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने और अंगिका को जल्द से जल्द बिहार की दूसरी राजभाषा घोषित करने की मांग की है। दरअसल यह धरना प्रदर्शन अंगिका भाषा के प्रति लोगों के बढ़ते लगाव और इसे संरक्षित करने की एक पहल है। बता दें कि अंगिका भाषा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में बोली जाने वाली एक महत्वपूर्ण भाषा है। इसे संवैधानिक मान्यता देने और इसके विकास के लिए उचित कदम उठाने से न केवल इस भाषा को बचाने में मदद मिलेगी बल्कि यह क्षेत्र की सांस्कृतिक विविधता को भी बढ़ावा देगी। ये धरना समाज आंदोलन के तरफ से है, समाज आंदोलन ये अंगिका समाज जैसे अंगिका समाज के प्लेटफॉर्म से एक दिन से धरना छिके। अंगिका समाज के लिए धरना के हमरा सनी कुछ मांग छे कि जत्ते भी 16 जनपद छे ओम जे 5 करोड़ से अधिक अंगिका भाषी छे, वो अंगिका भाषी अपनो भाषा से वंचित छे और हम सब जाने छे कि भाषा में हमरो संस्कृति छुपलो रहे छे। ई एक सामाजिक सांस्कृतिक मंच छिके, ई कोनो पॉलिटिकल पार्टी नहीं छिके, तो हमरो भाषा और हमरो संस्कृति ई जे अवदमित छे ये वास्ते अंगिका भाषी बहुत ही कुंठित छे। कोनो भी ऑफिस जाए छे या रेलवे स्टेशन जाए या मान लो कि स्कूल रहे कॉलेज रहे, हमरा सनी के मांग छे कि वहाँ अंगिका भाषा में ही हमरो पढ़ाई हुआ, अंगिका भाषा में ही हम अपना आपको व्यक्त करूँ। आरू हम सभी जाने छे कि अपनो भाषा का जब तक विकास नहीं करबे तो हमरो संस्कृति के और ये प्रदेश के विकास
असंभव छे। हमरा सनिक मांग छे कि प्राइमरी से लै करी के यूनिवर्सिटी तक अंगिकाम पढ़ाई हुआ, जत्ते भी हाँ जत्ते भी हमरो कार्यक्रम छे, जत्ते भी जे जत्ते भी ऑफिस से या प्लेटफॉर्म जत्ते भी वो सब में हमरो अंगिका में ही जैसे ओकर प्रचार प्रसार हुआ और वो अंगिका समाज का 8वीं अनुसूची में दर्ज कर लो जाए। कहने के भाषा के जब तक विकास नहीं होते अपने प्रदेश के भाषा के मातृभाषा के तब तक जैसे हम अपने प्रदेश के पूर्णतः विकास करे में अक्षम छे।